दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप हेमेस्टर जीपीटी कार्ड को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम डेली कॉम्बो में जाते हैं, सबसे पहले ढूंढ लेते हैं कार्ड कहाँ पे है। तो यहाँ पे स्पेशल रूम में जाते हैं और न्यू कार्ड्स रूम में जाते हैं। अगर आप पहली बार खोल रहे हैं तो न्यू कार्ड्स रूम मिलेगा, अदरवाइज माई कार्ड्स में वो कार्ड मिलता है हमको। तो हम यहाँ पर जाने के बाद नीचे जाएंगे, नीचे हमको यहाँ पर हेमेस्टर जीपीटी देखने को मिल जाएगा। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है कि सिक्योरिटी टीम का लेवल 15 आप कंप्लीट कीजिए जब आप इसको खोल पाएंगे। तो सिक्योरिटी टीम का कार्ड हमको कहाँ मिलेगा उसको हमको अनलॉक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पीआरएन टीम में जाएंगे। पीआरएन टीम में जाने के बाद यहाँ पे हमको जाना है फिर नीचे और यहाँ पे ढूंढना हमको सिक्योरिटी टीम। तो ये रहा सिक्योरिटी टीम। अब मैं सिक्योरिटी टीम पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद ये कार्ड हमारा ओपन नहीं होता है। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो उसके नीचे लिखा हुआ है इसको अनलॉक करने के लिए आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का लेवल 13 कम्प्लीट करना पड़ेगा। तो इसको कम्प्लीट करने के लिए आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कम्प्लीट करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कार्ड ढूंढना पड़ेगा। तो वो कार्ड भी आपको इसी लाइन में नीचे मिलेगा। तो हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हम ढूंढते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहाँ पे है। तो ये रहा। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ओपन करने के लिए भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम दे रखी है, जिसके लिए आपको इनवाइट प्लस 1 मोर फ्रेंड्स लिखा हुआ है। यानी कि आपको एक या एक से अधिक फ्रेंड्स को इन्वाइट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखना है फ्रेंड लिस्ट में। तो फ्रेंड्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चेक करना है कि आपके फ्रेंड लिस्ट में कोई बंदा है या नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स जोड़ने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको इनवाइट फ्रेंड पे क्लिक करना है और किसी को भी ये मैसेज भेज देना है। क्लिक करके मैसेज भेजने के बाद इस मैसेज से जो भी बंदा आपके हेमेस्टर कॉम्बैट में ज्वाइन होगा वो यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा उसके बाद ही आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो कार्ड है वो यहाँ से आपका अनलॉक हो जाएगा। जैसे ही कार्ड अनलॉक हो जाता है तो अनलॉक करने के बाद इसके जो लेवल आपको 13 करने पड़ेंगे। कहाँ गया, नीचे हम देखेंगे जाएंगे कहाँ गया सिक्योरिटी टीम ये रहा। तो यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे आपको क्लिक करते रहना है। क्लिक करेंगे फिर गो अहेड करना है, फिर क्लिक करना है, गो अहेड करना है। इस तरीके से आपको लेवल 13 कर लेना है। उसके बाद ये कार्ड आपको ओपन हो जाएगा। जब ये कार्ड आपको ओपन हो जाए तो यहाँ पर लेवल 0 है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर गो अहेड करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, फिर गो अहेड करेंगे। इस प्रकार से आपको लेवल 15 करने हैं। जिसके बाद यदि आप स्पेशल में जाते हैं और यहाँ पर न्यू कार्ड्स में जाते हैं, न्यू कार्ड्स में जाने के बाद आपको जो हेमेस्टर जीपीटी कार्ड था वो यहाँ पे आपका अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद इस पर क्लिक करके आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो ये पूरा तरीका था जो मैंने आपको समझा दिया है। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपका ये कार्ड नहीं होता या आप किसी फ्रेंड को इन्वाइट नहीं करते हैं तो भाई आप चाहे तो इन तीनों कार्ड्स को आज को आप स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई इसमें नुकसान नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको समझाता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुकी है।